वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस का, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस का देख रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। इसमें से हम लोग चार टेस्ट सीरीज देख चुके हैं, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पांचवें टेस्ट सीरीज को। जो लोग चैनल पे नए हैं पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोग बूस्ट अप के प्लेलिस्ट में जाके जनरल नॉलेज में जाके वहां से भी आप लोग कुछ वीडियो जनरल नॉलेज के जो मिसलेनियस टाइप्स का मैंने बनाए हुए हैं उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग के लिए आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं आज के फटाफट टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह धातु कौन सा है, तांबा है, सोडियम है, चांदी है या कैल्शियम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चांदी का यूज किया जाता है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक या वसा। तो देखिये, जो भी हृदय के रोगी है, जो भी हार्ट के पेशेंट है, उनको थोड़ा सा वसा जो होता है, फैट जो होता है, उसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी वसा होता है वो हमारे शरीर में जाके वो कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके चलते हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, इसीलिए वसा का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचायकों, जो सीसा संचायकों में, मतलब ये एक तरह का सेल होता है, ठीक है, एक तरह की बैटरी होती है, उसमें किस तरह का एसिड का यूज किया जाता है, ये चीज आप लोग को बताना है, ठीक है, HCl का, HNO3 का, H2SO4 का या CH3COOH का। तो देखिये, H2SO4 का यूज किया जाता है। निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट होता है क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन सी में या B12 में। तो देखिए, B12 में कोबाल्ट का मात्रा काफी ज्यादा होता है, ठीक है, B12 जो होता है वो एक उसका रासायनिक जो नाम होता है वो साइनो कोबालेमीन होता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो शरीर में क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज है या वसा और प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और खनिज भी चाहिए, ये सभी चीज हमारे लिए बहुत ही पोषक साबित होता है, ठीक है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है या सोडियम है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, वो होता है फ्लोरीन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है, इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा इसके अनुपात में होती है, किसके अनुपात में होती है, परमाणु वजन के अनुपात में होती है, परमाणु संख्या के अनुपात में होती है, विशिष्ट घनत्व के अनुपात में होती है या समान वजन के होती है, ठीक है, तो उसका समान वजन के अनुपात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के ऊपर एक रखी गई सीसा की दो प्लेटों को जिनके बीच में पानी है, ठीक है, सीसा की प्लेट रखा गया है जिसके बीच में पानी है, आसानी से अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वो चिपका हुआ है एक दूसरे से, पानी के ऊपर अगर रख देंगे तो। उसका कारण क्या होता है, जड़ता होता है, दबाव होता है, ठीक है, या सतही तनाव जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं, या विस्कोसिटी होता है, ठीक है, चिपचिपाहट होता है। तो देखिए, वो सरफेस टेंशन के चलते क्या होता है, अगर यहाँ पे एक प्लेट रख दे शीशा का, इसमें पानी गिरा के दूसरा प्लेट रख दे, तो वो लगेगा कि एक दूसरे से वो चिपक गया है, ठीक है, उसको जब हम लोग अलग करेंगे तो वो आसानी से अलग नहीं होगा, तो वो सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो, ठीक है, तो कोहरा भी अधिक होता है, अगर धुआं अधिक है तो कोहरा भी अधिक है, इसका कारण क्या है, धुएं के कण पानी को हवा में निकाल देते हैं, या धुएं में जल होता है, या वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में मौजूद जो जलवाष्प होता है वो धुएं के कणों पर जमा हो जाता है, जिसके चलते वो भी किस तरह वो भी कोहरे की तरह प्रतीत होता है। एंजाइम निम्न प्रकृति के पदार्थों से बना होता है, किस चीज से एंजाइम बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, वसा से बना होता है यानी फैट से, लिपिड से बना होता है या प्रोटीन से बना होता है। तो देखिए, जो भी एंजाइम होता है वो सारा एक तरह का प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन से ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव विज्ञान को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, सिल्वी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं या एपिकल्चर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जहां पे वन का प्रबंधन हो या उसका रख रखाव हो, ठीक है, देख रेख हो, उससे रिलेटेड को सिल्वी कल्चर कहा जाता है, ठीक है।
एक और चीज है यहाँ पे देखिए, पीसी कल्चर जो होता है जो मछलियों का पालन से रिलेटेड होता है, मछलियों के देखरेख से रिलेटेड होता है। सेरिकल्चर में क्या चीज पढ़ते हैं हम लोग, रेशम के बारे में पढ़ते हैं, रेशम का जो खेती होता है उसका अध्ययन किया जाता है। एपिकल्चर में मधुमक्खियों का पालन से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक एक अलग तरह का, ये किसी न किसी चीज को पालन पोषण करने के लिए यूज किया जाता है। सेरिकल्चर इसका करेक्ट आंसर होगा, सिल्वी कल्चर, ठीक है। वनों का प्रबंधन, निम्न में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप से दर्शाता है, एजी सी यू एफ ई एजी एजी एफ ई सी या एफ ई सी यू एजी। देखिए इसमें से क्रियाशीलता का जो है वो क्रम को, सही क्रम को दिखा रहा है, यानी घटते क्रम में ये बढ़ रहा है, कौन सा ये है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए पहले होता है आयरन, इससे इससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, कॉपर इससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है एजी, ठीक है, जिसको सिल्वर हम लोग कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, यह ऑक्सीकारक पदार्थ है, अम्ल की क्रिया करके यह ऑक्सीजन देता है, या यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। निम्न में से कौन सा समीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है, इसमें से बताना है, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो H2S प्लस Cl2 और 2HCl प्लस S है, ये क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है, मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है, बताना है कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। पीतल जिंक और तांबे का मिश्र धातु होता है, फेरिक लवण फेरस लवणों की तुलना में लोहे की अधिक आकर्षित अवस्था है, बताना है, ठीक है। 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सारा ये होता है लेकिन ये नहीं होता है। स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है, ये नहीं होता है, कास्ट में ज्यादा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, SO2 में सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, सोडियम अणु के बाहरी सबसे बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये भी सही है। जो ये सल्फर होता है तो इसमें सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है, 6 होती है SO2 में। सोडियम के बाहरी कक्षा में एकदम 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग 2, 10 और 1 होगा, तो एक ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आउटर मस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, एक ही अणु के आइसोटोपों की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये गलत चीज है, ठीक है, ये नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तांबा की, लोहा की, ग्लिसरीन की, या पानी की। तो देखिए जो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 4200 जूल प्रति केजी, ठीक है। ये देखिए स्थिर जल में प्रत्येक गिरने पर, ठीक है, पत्थर गिरने पर, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे होती है, किस तरह के तरंग उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग, या अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बीम उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु की स्थिति, देखिए ये लेंस अगर इस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है तो जो होगा, जो वस्तु कहाँ पे रखा होगा, ठीक है, अनंत तथा 2f के बीच में, ठीक है, फोकस, ये दुगनी फोकस और अनंत के बीच में कह रहा है, 2f पे रखा होगा, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, और f के बीच में, या f और 2f के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जो अनंत से आ रहा होगा तस्वीर, ये लेंस हो गया, ठीक है, अनंत से आ रहा तस्वीर और 2f के बीच में अगर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2f है, यहाँ पे f है, ठीक है, यहाँ से फोकस दूरी, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्या है कि ये जो है अनंत से और 2f के बीच में अगर रखा जाएगा वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था, रमन ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, या आइंस्टाइन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो न्यूटन ने खोज किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह 10 मई को
सबसे पहले कहां पर भड़क उठा था, मेरठ में, कानपुर में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो इसको स्वतंत्रता की लड़ाई कहते हैं, यहीं से हमारा शुरुआत हुआ था स्वतंत्रता की लड़ाई का। और ये कहां से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। 10 मई को सबसे पहले मेरठ में ये चीज भड़क उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है कहाँ पे? रावी नदी पे, श्रावस्ती नदी पे, सिंधु नदी के मैदानी इलाकों पर या भगवा नदी के मैदानी इलाकों पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हड़प्पा है वो याद रखना है रावी नदी पे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो मेंटोगोमरी जिला में रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। ये एक प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। बौद्ध साहित्य लिखा गया है किस भाषा में बताना है? प्राकृत भाषा में, पौली भाषा में, संस्कृत भाषा में या तमिल भाषा में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौली भाषा में लिखा गया है बौद्ध साहित्य को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, म्यूनिख में है या शिकागो में है या दहेग में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में है, ठीक है। विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसका मुख्यालय 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, बलबन ने बनाया था या अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया हुआ था इसको, ठीक है। तो जो इल्तुतमिश बनाया, ठीक है, वो कुतुब मीनार बनाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। देखिए कुतुब मीनार का जो नींव रखाया था वो कुतुब, एक चीज याद रखना है, स्टार्ट जो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका काम संपन्न कराया इल्तुतमिश ने। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र देन है, किस चीज का? नारद मुनि की, भरत मुनि की, तांडु मुनि की या अभिनव गुप्त की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी था या उनके नैतिकता के उच्च आदर्शों का द्वारा शासन किया था या उसने कालिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था या उसने सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की बागडोर संभाली थी? बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, ठीक है। बहुत ही अच्छे से शासन किया था, नैतिकता का उच्चतम जो है आदर्शों को फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, वो कब हुआ था, यह बताना है। 13 मार्च 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 मई 1919 को या 13 जून 1919 को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 28 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे जो 29 और 30 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। एक मैथ था, एक रीजनिंग था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, क्योंकि हम लोग जीके सिर्फ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, डेफिनेटली ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, ये भी सही है। डॉन जुआन, थॉमस हार्डी, ये सही नहीं है, ठीक है। क्राउन वाइल्ड, ओलाइव, जॉन रक्सिन, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ किया पूरा पाषाण काल ने, मध्य पाषाण काल ने, नव पाषाण काल ने या लौह युग ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल ने। युगल सावधान मिले हैं लोथल में, राखीगढ़ी में, धौलावीरा में या रोपड़ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल में, ठीक है। सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, बताइए, ब्यास का, रावी का, झेलम का या सतलज का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी के आगे बढ़ने से वो लोग इनकार कर दिए थे। मिहिर कुल कौन था? शक शासक था, सातवाहन शासक था, कुषाण शासक था या हुक शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुक शासक था ये। रजिया बेगम शासिका थी, कहाँ की थी? गुलाम वंश की थी, खिलजी वंश की थी, तुगलक वंश की थी या लोधी वंश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रजिया बेगम थी वो गुलाम वंश की शासिका एक थी, ठीक है। बहुत ही ये जो थी निडर शासिका थी रजिया बेगम। संकेत मुद्रा चलाई थी बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या इब्राहिम लोदी ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, संघ पवित्र स्थल है, संघ पवित्र किस चीज का स्थल है? जैनों का, बौद्धों का
या हिंदुओं का या पारसियों का स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्धों का जो है ये पवित्र स्थल है। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? पर्शियन, हिंदू, उर्दू या तुर्की? सबको पता ही होगा पर्शियन ये भाषा यूज किया जाता। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने कराया था? लॉर्ड डलहौजी ने कराया था, वारेन हेस्टिगन ने कराया था, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने कराया था या लॉर्ड रिपन ने कराया हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो डलहौजी था वो हमारे देश को बहुत ही आगे बढ़ाया, ठीक है। ये क्या किया, ये तो पहले ये क्या किया, देखिए सार्वजनिक निर्माण भवन जो विभाग था उसका गठन कराया, रेलवे का शुरुआत कराया, डाक का शुरुआत कराया, इसने बहुत चीजों का निर्माण करवाया हुआ था, इसीलिए इसको भारत का क्या कहा जाता है, जो जो मॉडर्न इंडिया का निर्माता इसको कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माता इसको कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, अशोक महान ने बनाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया था या ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। पाटलिपुत्र का जो सबसे पहले राजधानी बनाया था वो उदयन था, ठीक है, उसने सबसे पहले बनाया हुआ था राजधानी। गेहूं उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है बताना है? विषुवतीय प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेशों में, सामान्य घास के प्रदेशों में या समशीतोष्ण जलवायु में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समशीतोष्ण जलवायु है तो वहां पे गेहूं उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है। ग्रेनाइट परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं, रासायनिक वेदरिंग कहते हैं, फ्लोटिंग कहते हैं, फॉल्टिंग कहते हैं या फोल्डिंग कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक वेदरिंग। संघीय राज लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं ये बताना है? 7 है, 12 है, 27 है या 36 है? तो टोटल द्वीपों की संख्या 36 है, ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है या अन्नपूर्णा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर अलग है क्योंकि यहाँ पे मैथ आ गया था इसलिए अलग किया हुआ है मैंने 47 और 48 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस कृषि जोत की भारत में बृहत्तम प्रसिद्धता है? प्रांतीय जोत की, क्षुद्र जोत की, मध्यम जोत की या बृहत जोत की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्र जोत की। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे किया गया था ये आप लोग को बताना है, ठीक है, कहाँ पे किया गया था? नांगल में किया गया था, ट्रांबे में किया गया था, सिंदरी में किया गया था या अलवाय में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदरी में ये किया गया था। भूमि के चारों ओर बंद कौन सा राज्य है? लॉकलैंड जिसको, ये लैंड लॉक जिसको कहते हैं, कौन सा राज्य है बताना है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है या पश्चिम बंगाल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार है, ठीक है। भूमि के अंदर ये लॉक इसको इसलिए कहते हैं कि इसके चारों तरफ कहीं समुद्र नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, गुजरात में इसके तरफ समुद्र है, तो ये लॉकडाउन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य और पृथ्वी की मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है बताना है? 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को या 3 जनवरी को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और जो जो यहाँ पे अगर कम दूरी हो रही है उसको उपसौर कहा जाता है, और अगर ज़्यादा दूरी जब होता है उसको अपसौर कहा जाता है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। कथन दिया है अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्व भागों में की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ठीक है। इसका कारण क्या दिया है? अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा में के समांतर है। क्वेश्चन नंबर है, ये ऑप्शन है, दोनों ए और आर सत्य है और आर जो है ए का कारण है। ए आर सत्य है लेकिन आर ए का कारण नहीं है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये दोनों सत्य है, ठीक है, और आर जो है इसका कारण सही रीजन दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्राणियों की खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना, चीतों और मगरमच्छों का संरक्षण, कुल जैव विविधता का संरक्षण या वन उत्पादों का अनुकूलतम प्रयोग करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल जैव विविधता का संरक्षण करना। नेक्स्ट है, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है भिन्न 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 प्रकार की फसलें पाने के लिए,
जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए या प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा झील कृत्रिम है बताना है, डल झील, चिल्का झील, जयसमंद झील या नौ कुचिया ताल झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जयसमंद झील। देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा है 55 से लेकर 59 के बीच में यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने रिमूव किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत की व्याख्या है, संविधान में जो भारत की व्याख्या है, संयुक्त राज्यों के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के राजमंडल के रूप में या एकात्मक राष्ट्र के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राज्यों के संघों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है, संघात्मक व्यवस्था का, राष्ट्रपति शासन का, समाजवादी सरकार का या सर्वाधिकारी सरकार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये एक संघात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किस चीज से, देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से या स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कुछ राज्यों के कृषि भूमि के सुधार से। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसकी विधानमंडल में अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है या यह राज्यों का एक संघ होता है या भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं या यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुधार प्रदान की गई है, 45वां अनुच्छेद है, आर्टिकल जो 45 है, 46 है, 47 है या 48 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद में अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, 18 में रखा गया है, 21 में रखा गया है, 41 में रखा गया है या 46 में रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 में ये रखा गया है। 41 के अनुसार क्या होता है, 41 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान डैश की संविधान पद्धति का निकट अनुसरण करता है, कहाँ के संविधान से काफी मिलता जुलता संविधान है हमारा, ठीक है, यूएस का है, यूके का है, स्विट्जरलैंड का है या दक्षिण अफ्रीका का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है। संविधान सभा का सृजन किया गया था शिमला सम्मेलन 1945 के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा या क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता ही होगा किसके लिए किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन बैठाया गया था जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि यहां से इसी के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, इसी बैठक के द्वारा। हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है सामाजिक स्थिति की समानता, वयस्क मताधिकार, भाईचारा या न्याय बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वयस्क मताधिकार। संविधान का वह अंश जो उनके निर्माताओं के उद्देश्य एवं आदर्श को प्रतिबिंब करता है वह क्या है, नीति निर्देशक तत्व तो होता है, मूलभूत अधिकार होता है, उद्देशिका होता है या संघ और उनके क्षेत्र होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उद्देशिका होता है। उद्देशिका को भारत संविधान का दर्शन यानी कुंजी या जन्म कुंडी या सार एक तत्व कहा जाता है, एक बेसिक चीज कहा जाता है, ठीक है, और संविधान का हृदय और आत्मा भी इसी को कहा जाता है, उद्देशिका को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिसको इसको इसको देखिए इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, प्रीएम्बल को ही कहा जाता है कि ये संविधान का एक तरह का ये आत्मा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, पोषण के स्तर को उठाना, कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना, वैज्ञानिक मनोदशा को बनाए रखना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को विच्छेद करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा को बनाए रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी होता है, महान्याय अभियर्ता होता है, ठीक है, महान्यायाधिकर्ता होता है, महालेखा परीक्षक,
और एवं नियंत्रक अभी करता होता है या महाअधिवक्ता होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाअधिवक्ता जो होते हैं वही संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का कानूनी सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई विशेष बिल वित्तीय बिल है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कि वित्तीय बिल है, विशेष बिल है या नहीं है, उसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, केंद्र के वित्त मंत्री करते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष वो डिसाइड करते हैं। भारत का योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, एक वैधानिक संस्था है, ठीक है, एक सलाहकार बोर्ड है, एक संवैधानिक संस्था है या एक स्वतंत्र स्वचालित संस्था है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक तरह का सलाहकार जो है, सलाहकार बोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन की एक उद्देशिका नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, ठीक है, या रोजगार सृजन, इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारतीय नियोजन की एक उद्देशिका का कार्य ये नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव विकास रिपोर्ट बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाले वार्षिक प्रकाशन है, जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापता है, पौढ़ जो होता है पौढ़ साक्षरता जो होता है एडल्ट लिटरेसी के दर के द्वारा ज्ञात को मापा जाता है, या जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति क्षमता के द्वारा समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव विकास रिपोर्ट बैंक के द्वारा एक अधिकार रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है, ये कथन हमारा यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति का संबंध है किस चीज से संबंध है? कर सुधार से है, लघु उद्योग सुधार से है, बैंक सेवा सुधार से है, या राष्ट्रीय आय से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लघु उद्योग सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है देहरादून में, मसूरी में, नागपुर में या हैदराबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मसूरी में ये अवेलेबल है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था, कब किया गया था? 1772 में किया गया था, 1872 में किया गया था, 1792 में किया गया था, या 1882 में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1772 में पहली बार कलेक्टर का सृजन किया गया था। मुर्रा जफरवादी तथा मेहसाणा किस जानवर की प्रजातियां हैं? गाय का है, भैंस का है, बकरी का है या घोड़े का है? तो ये भैंस की एक तरह की प्रजाति होती है। ड्रिप सिंचाई जिसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है, एक तकनीक कहाँ से आई है? चीन से आई है, जापान से आई है, इजराइल से आई है या रूस से आई है, ठीक है। ये वाटरिंग करने का, खेत को पटाने का जो पानी हम लोग करते हैं, ठीक है, उसका एक तरीका होता है ड्रिप इरिगेशन, और ये जो लिया गया है वो लिया गया है इसराइल से, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 5 जून को, 7 जुलाई को, 12 जून को या 5 अप्रैल को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेश में निर्मित मिसाइल है? पहली बार भारत में जो निर्मित, भारत का ही निर्मित मिसाइल जो है भारत में निर्मित है, जो आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है या त्रिशूल है? तो ये पृथ्वी जो मिसाइल थी हमारा, वो भारत का पहला निर्मित, भारत में जो निर्मित किया गया है वो मिसाइल है, ठीक है। भारत का जितना भी मिसाइल है, जरूरी नहीं है कि वो भारत में ही निर्मित किया गया हो। भारत सबसे बड़ा पक्षी, ठीक है, जो अभी भी उपलब्ध है वो कौन सा है? मोर है, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग है, डोडो है या टर्की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, अभी भी ये अवेलेबल है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, वीडियोस को दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।